मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इटखोरी स्थित चोरकारी पावर ग्रिड का किया उद्घाटन। चतरा प्रक्षेत्र में विकास की सौगात को लेकर आज इटखोरी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जिले की अति महत्वाकांक्षी 220 केवी चोरकारी पावर ग्रिड का पूजा अर्चना कर किया विधिवत उद्घाटन। इस अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद चतरा सुनील सिंह, सिमरिया विधानसभा विधायक बड़का गांव और बरही विधायक मौजूद थे। तकरीबन 500 करोड़ की लागत से योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफीम की खेती पर नकेल कसने को लेकर पोस्टर अभियान की भी शुरुआत की। जागरूकता के माध्यम से ही अफीम की खेती पर लग सकता विराम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा फरवरी 2021 में सदर प्रखंड के डाढ़ा पावर ग्रिड का हो जाएगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री का बयान, झारखंड में घर घर में बनेगी सोलर से बिजली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, झारखंड गांव गांव में सोलर की बिजली की होगी खेती। हेमंत सोरेन ने चतरा को दिया विकास का सौगात। 92 करोड़ के 18 योजनाओं का किया शिलान्यास। 375 करोड़ के 82 योजनाओं का किया उद्घाटन। विभिन्न सरकारी विभागों के दर्जनों लाभुकों के बीच किया लाखों के परिसंपत्ति व नियुक्ति पत्र का भी वितरण। कृषि, पशुपालन, मत्स्य आपूर्ति सहित अन्य विभाग के लाभार्थियों को भी सौंपा चेक। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा के लिए आने वाले दिनों में बिजली की समस्या नहीं रहेगी। इस को लेकर आज यह पावर ग्रिड का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया गया। उपायुक्त चतरा अगला निवेदन प्रबंध सम्मान की भावना माननीय सांसद महोदय। आपकी कार्यों के गुजारिश और निवेदन करके अपने स्थान पर आप बैठे रहेंगे। ये कार्यक्रम आपका है। अगला निवेदन होगा उप विकास विधायक महोदय। माननीय विधायक सिमरिया के स्वागत और सम्मान की भावनाएं हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। आपका आदर कथन इस मंच पर करते हैं। आपकी तालियों के गुजारिश। अगला निवेदन होगा अपर देश एक संकल्प जो पूरे वातावरण को अनुगुजित कर रहा है कि हम सब साथ मिलकर झारखंड का विकास करेंगे। अगला निवेदन उपायुक्त चतरा अंजलि यादव मैम से भी। प्रधान सचिव एक संकल्प तमसो मां ज्योतिर्गम माननीय मुख्यमंत्री जी एक संकल्प लिया कि विकास की रोशनी शहरों से की ओर चलता है। हम अफीम की खेती से दूर रहेंगे। गैर कानूनी भी है हमारे लिए और भविष्य के लिए ये बहुत कष्टदायी हो सकता है। इसलिए हम सबको जागरूक चतरा जिले के लिए ये योजनाएं यहाँ के वासियों के लिए ये योजनाएं। चतरा ये वही जिला है जिसने मनरेगा में बहुत बेहतरीन काम किया है और 23वें नंबर से ये 3 नंबर पर पहुंच गया है। ये आप देखते हैं हमने शिलापट्टी का अनावरण बटन और एक वीडियो फिल्म के माध्यम से भी हम चतरा जिला का विकास देख सकते हैं। जिला परिषद चतरा की 5 योजनाएं, पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल चतरा की 3 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा। कुल 18 योजनाएं, प्राकृतिक राशि 91.79 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल की 21 योजनाएं, ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल की 5 योजना, NREP चतरा की कुल 83 योजनाओं का शुभ उद्घाटन आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा यहाँ किया गया। जिसकी शिला पट्टिकाएं आप दोनों ओर दिख रहे होंगे। कुल नेतृत्व में राज्य विकास की नई कहानी लिखे इसी संकल्प के साथ ये तमाम योजनाएं जो पाइपलाइन में है, जो आने वाली है, जिनकी हम लोग जुटे हैं एक दूसरे को भाषण सुनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखने के लिए। और ये पहला चतरा का आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, सौभाग्य का दिन है। और चतरा बहुत सारे विकास की संभावनाएं हैं। अभी कोविड-19 के बावजूद भी चतरा में जो सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो,
बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, सभी स्तर पर काम चल रहा है, कोई बाधा नहीं हुआ। और छपरा में एक महत्वपूर्ण योजना है जो लंबे समय से मांग है कि छपरा में बाईपास सड़क होनी चाहिए, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि छपरा में बाईपास सड़क हो। और कई बार सुने थे कि यहाँ डेयरी फार्म खुलने वाला है, लेकिन इसका जमीन का भी अधिग्रहण हो चुका है, चाहे कि 1,00,000 टन पर डे का उत्पादन होगा, छपरा में एक डेयरी फार्म खोला जाए ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2021 जो नियोजन विधेयक 2021 झारखंड विधान में पास किया है कि जो यहाँ के युवा युवतियों को जो विभिन्न कंपनियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलता था, चाहे गैर सरकारी हो, छोटे बड़े उद्योग हो। लेकिन साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस शुभ अवसर पर मैं आग्रह करूंगा कि टंडवा, लावालौंग और पत्थलगड्ढा, ये प्रमुख जो हमारे क्षेत्र है, इस सब ग्रिड से जुड़ जाए तो वहाँ की जनता के बीच स्वप्नों को आकार मिलेगा, स्वप्न पूरा होगा, उन लोगों का आग्रह भी है। और साथ ही साथ चोटारी के लोगों ने मुझे यहाँ से आते समय निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबों की विनती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी चोटारी को गोद लेकर इसके उसका विकास करें, तो मैं उनका भी निवेदन आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। और चोटारी के लोगों ने कुछ जो सुविधाएं दी हैं खेती के लिए और बाकी के लिए, उसको भी मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा। और साथ झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी निवेदन करना चाहती हूँ, भारत है ये CIF सामुदायिक निवेश नीति के रूप में। इसके बाद अगला आमंत्रण फूलों छालों आशीर्वाद योजना के तहत हमारी लाभों से स्वरोजगार हेतु हमारी दीदियों को कैश क्रेडिट लिंकेज करवाया जाता है। इस कड़ी में किरण कुमारी संतोषी समारोह और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग क्षेत्र राज भजन राम झरो और उसके बाद होंगे श्रीमती परमा देवी और श्रीमती समीना खातू। 1600 धोती साड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की एक संवेदनशील सोच इससे जुड़ी है। फरजाना खातू और अब मत्स्य विभाग क्षेत्र की योजना श्री देवेंद्र प्रसाद यादव से श्रीमती गुजरी देवी वन विभाग कटआउट दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री सुश्री पिंकी कुमारी और श्रीमती रीना देवी को। श्रीमती मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन वासुदेव दामी स्वीकृति पर कुंती मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत झूठा तालिया इस नंदी किसी बच्ची को सौभाग्य मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा ये आज की बेटी सुषमा कुमारी ये है हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभों की मंडल की रीना देवी अध्यक्ष और बारा देवी सचिव को मंच पर ये विकास की मुख्य धारा से पीछे न छूट जाएंगे। इसलिए संतोषी कुमारी सखी मंडल ये इन्हें आजीविका संवर्धन हेतु ये चेक प्रदान बाद में निकलवा दीजिएगा, बाद में निकलवा एक सिक्योरिटी डाल देंगे क्या 220 वोल्ट में 2,20,000 वोल्ट। क्षेत्र के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।